नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बराबरी की। स्त्री चाहे क्रांतिकारी हो या वैज्ञानिक, वह देश को आज़ादी दिलाए या फिर बल बनाए, रहेगी तो औरत ही, जिसे देखकर पुरुष अपनी लार टपकाते रहेंगे। इन पंक्तियों को कहने की वजह एक मुख्य कारण है, इटली में बनाई गई एक स्टैच्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया में क्या तबाही मच रही है, जंगलों में हरियाली ख़त्म हो रही है, कई जगह पे आग उगली जा रही है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई है वो एक नग्न महिला की बनाई गई है, जो कि एक अपमानजनक है। काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये एक सेक्सीस्ट स्टैच्यू बनाई गई है वहाँ पर। तो हम आज बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम इटली में एक शहर है सपरी। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ पर दोपहर को बसों या कारों की नहीं, बल्कि समुंदर के जो आवाज़ गूंजती है, और इस शहर का जो अंधेरा है वो बाकी इटली के शहरों से पहले अंधेरा हो जाता है। इन घरों के जो दरवाजे हैं वो सूरज डूबते ही बंद हो जाते हैं और सूरज के उगने पर ही खुलते हैं। कुल 7,000 की आबादी का ये सिपरी शहर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह बना है स्त्री का देह बनाकर जो दिखावा किया गया है। जब इस मूर्ति का अनावरण किया गया, इसका मुख्य कारण था कि 19वीं सदी की एक इटालियन कविता को सम्मान देना था। एक कवि थी, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर पूरे धूमधाम से टीम टाम बजा बुजू के जब मूर्ति से कपड़ा हटाया गया, कई मिनट तक तालियां तो बजी, लेकिन अब इस कासे की मूर्ति को हटाने की मांग चल रही है। दरअसल युवा स्त्री की इस मूर्त में छीने कपड़े पहने हुए हैं, वह नाम मात्र के हैं। इसके अलावा लंबी उंगलियों वाला उसका तरासा हुआ हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ है। इस मूर्ति को बनाया गया है उस महिला की याद में, जो महिला एक अनाज इकट्ठा करने वाली उस जवान महिला की है, जो इटली की क्रांति में शामिल होने के लिए अनाज का अपना तसला फेंक देती है। खेतों से निकलकर वह जाती है और बागियों की भीड़ में चीरती हुई सामने खड़े हो जाती है। गोलियां चलती हैं, युवा किसान स्त्री मारी जाती है, उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है खून से लथपथ, लेकिन बदलाव की उम्मीद में दमकता हुआ, गहरे सुनहरे बाल धूल से लथड़े हुए, लेकिन कल के रेशम का वादा करते हुए और कपड़े, हल्के काम वाली सूती की मोटी स्कर्ट और सूती की ही कमीज। ये घटना थी इटली के उस मंजर की। उसके बाद इटालियन कवि लुइज मर्कांटिनी ने इटली की क्रांति पर एक कविता लिखी। कविता की हीरोइन यह लड़की थी। अब यह लड़की सपरी शहर की हरियाली के बीच खड़ी है, कासे में बदलकर, औरत में बदलकर। इटली की महिलाओं का कहना है कि मूर्ति को लगभग नग्न बनाया है। क्रांति में हिस्सा लेने वाली वह स्त्री से नाइंसाफी है। एक तर्क ये भी है कि वह स्त्री चाहे क्रांतिकारी हो या वैज्ञानिक हो, वह देश की आज़ादी दिलाए या फिर बल बनाए, रहेगी औरत ही, और फिर औरत के पीछे लार टपकाने वाले आप जानते हैं। और यही यहाँ पर हुआ। इसी की वजह है कि 5% महिला कलाकार होती हैं मूर्ति बनाने के कारोबार में। ज़्यादातर मूर्ति बनाने के कारोबार में पुरुष ही सम्मिलित होते हैं, 95% पुरुषों का स्थान है, लेकिन जब नग्न महिलाओं की देह बनाई जाती है उसमें 85% होता है।
तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता को यह दर्शाता है। महिलाओं के जो कह सकते हैं मतलब कि इस अपमानजनक चित्रण को रोकने की ज़रूरत है, जैसा कि इटली में हुआ है। हालांकि आप कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब अब वो भी समझने लग गए हैं, विदेशियों को भी ये समझ में आने लग गया है कि वेस्टर्नाइजेशन मतलब ओपन कपड़े पहनकर बस घूमना ये नहीं होता है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड और प्रॉपरली लोगों से मतलब एक बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। लोगों को बस कम कपड़े पहनना, इसको ही अगर वेस्टर्नाइजेशन लगता है तो ये उनकी गलत फहमी है, जिसको आज इटली की ये सभा ने भी समझा दिया। तो इसी के साथ हम पाड़ी का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।